ये नॉर्मली खड़ी रहती है तो भी भाई देखो रोड पे ना कितनी अच्छी लगती है, तुम देख लो यहाँ पे टॉस गोल्डन लगवाया था भाई, एक नंबर था। मतलब आइडिया हो ना कि अपन ये कर सकते हैं इस बाइक के साथ तो मेरे को ना जरूर बताना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस वीडियो में। आज की वीडियो शुरू हो रही है भाई, देखो यहाँ पे खड़ी एक बीस्ट, इसके बगल में खड़ी भाई दूसरी बीस्ट जो अपनी 390 अपन चलाते हैं भाई, ड्यूक 390। तो दोनों बीस्ट आज भाई एक साथ खड़ी है। मैं ना मतलब कि ये बाइक भी राइड करके देखता भाई आज की वीडियो में ये राइड करता, बट इसकी छा भी नहीं मिल रही मेरे को। तो आज अपन जाने वाले एक मस्ती राइड पर भाई, मतलब कि आस पास जाएंगे भाई मस्त, मतलब कि आराम से ट्रैवल करके आएंगे। वो मतलब कि मैं ना आज ये 390 लेके जाने वाला था, बट भाई इसकी है ना मतलब कि छा भी नहीं मिल रही भाई। बाकी ना तुम इसके टायर वगैरह देखो भाई, क्या विड्थ है भाई टायर की और क्या ग्रिप है भाई। देखो ये जो टायर है ना, ये जो ग्रिप होती है भाई, ये ग्रिप जानलेवा होती है, मतलब खतरनाक जो ग्रिप होती है टायर की, जो रोड पे ग्रिप बनाती है भाई, ये सब चीज़ें बनाती है। बाकी है ना इस बाइक के अंदर पहले एग्जॉस्ट वगैरह फिट नहीं था, ये कनेक्टर वगैरह नहीं लग रहा था, इस वजह से ना इसको मतलब इसकी आवाज़ वगैरह मस्त थी। बाकी भाई देखो यहाँ पे बाइक फुली लोडेड खड़ी है भाई यहाँ पे, इसके अंदर जो रेडी टू रेस लिखवा था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं वो बहुत तगड़ा आता है, मतलब कि जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना वही लगती है मेरे को जब मैं राइड करता था इसको, मतलब कि एक है ना अलग सा फील देती है, वो जो है ना टेक्नोलॉजी अलग वाली चीज़ वो देती है भाई फील। तो अपन चलते हैं यहाँ से, मतलब राइड तो मेरे को ये वाली बाइक ही करनी थी, बट है ना आज ये वाली राइड करेंगे। इसका जो टायर तुमको मैंने बताया ना भाई, इसका जो टायर था ना भाई 170 का टायर था, मतलब जो इसकी विड्थ थी भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी दे रखी थी, यहाँ पे इस साइड पे दे रखी, देखो इस साइड पे दे रखी है 170 भाई दे रखी है यहाँ पे, ये 170 लिख रखा है यहाँ पे, तुमको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो ये टायर है ना, और अपनी आरएस के अंदर तुमको अगर टायर की ग्रिप दिखाऊंगा ना, विड्थ दिखाऊंगा तुम हंसोगे भाई। यहाँ पे दे रखी है इसकी टायर की विड्थ, यहाँ पे दे रखी, देखो यहाँ पे दे रखी इसकी 130/70 का टायर दे रखा भाई यहाँ पे, अपने आरएस के अंदर भी है ना, अगर ये टायर फिट करवा लेना पीछे की साइड में, यहाँ देखो इसकी जो विड्थ देखो ये इतनी है ना, और यहाँ पे इसकी विड्थ देखो भाई कितनी, मतलब डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मैंने ना सोचा था ना ये वाला टायर डलवाएं अपनी बाइक में, अगर ये वाला टायर डलवाएंगे ना अपन तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब कि एक अलग ही ना ग्रिप बनेगी रोड के अंदर, मज़ा आएगा। मतलब इसके ना फिर अपन ये टेल जो कवर है ना इसका, यहाँ से ये कवर है ना इसका यहाँ से हटवा देंगे, और मतलब कि ना रोड पर एक अलग ही व्यू देगा भाई, एक मज़ा आ जाएगा तगड़ा। तो यहाँ पे देखो अपने हेलमेट वगैरह सब कुछ चीज़ें रख रखी है, इसको करते हैं माउंट, इसके अंदर चलते हैं यहाँ से, बाइक उठाते हैं निकलते हैं अब भाई। बाइक की पूरी हालत जो यहाँ पे जो था ना पहले टैंक पे जो वो था अपने पहले लगा हुआ था यहाँ पे, इसको पूरा उखाड़ दिया, ए टू जेड जो रैप भाई पूरा उखड़ चुका है। अब जो रैप बचा इस जगह पे रैप बचा है, ये भी है ना 2 दिन में भाई उखड़ जाएगा भाई। हमारे भाई बहुत प्यार करते हैं हमसे, इस वजह से ना बाइक पर पूरा प्यार दिखाते हैं पूरा, मतलब कि जो रैप करवाया था ना मैंने पूरा वेस्ट चला गया भाई, वो किसी भी काम नहीं आया, क्योंकि कितने दिन ही रहा था, जिस दिन रैप करवा गया था ना उसके अगले दिन ही ना पूरा रैप उखाड़ दिया था। तो वो जो इन्वेस्टमेंट था ना रैप पे वो पूरा वेस्ट हो गया भाई, बट मैंने ना बहुत प्यार से करवाया था भाई इस पर रैप, बट लोगों क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि अभी भी है ना इतना बोलने के बाद वीडियो में ना वो बंदा इतना ढीठ है कि है ना रैप को रोज़ हटा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है भाई अलग ही रैप हटाने में। मेरे को समझ यार ऐसा कौन सा मज़ा है जो इसके अंदर मिल रहा है ये रैप, ये मज़ा हमको क्यों नहीं मिल रहा भाई। हम मैंने ना आज तक कितने भी बाइक हुआ करा, कितने भी हो ना, कभी भी है ना किसी बाइक के साथ ऐसे नहीं किया कि किसी का रैप उखाड़ रहा हूँ भाई, मैं किसी की बाइक को हार्म कर रहा हूँ, ये मैंने कभी भी नहीं किया मेरी लाइफ के अंदर। क्योंकि भाई देखो किसी की प्यारी चीज़ है, किसी ने इतना रैप करवाया, मतलब कि नॉर्मल बाइक को भी ना एक बंदा अगर इसको अच्छी बना रहा है ना तो मतलब ये मान लो कि है ना वो अपनी बाइक से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जिस चीज़ से प्यार करते हैं भाई कभी मैंने उसको हार्म वगैरह नहीं करना चाहिए भाई, मेरा तो यही मानना है। बाकी तो देखो सबकी अब अलग अलग थिंकिंग है। बाकी तुम मौसम वगैरह देख सकते हो भाई, मौसम वगैरह हो रहा है सेक्सी बिल्कुल, और धूप वगैरह आ रही है भाई बहुत, मतलब धूप तो है बट है ना एक शाइनिंग डे होता है ना वैसा हो रखा है, मज़ा आ रहा है मतलब देखने में भी और राइड करने में भी, कोई दिक्कत मेरे को फील नहीं हो रही है ऐसे। तो देखो भाई बहुत दिन हो चुके हैं भाई बहुत राइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे अपनी वीडियोज़ में प्यार वगैरह दिखाते रहो भाई, मतलब अभी है ना मैंने सोचा इस मंथ के अंदर की रेगुलर वीडियोज़ निकाल दूँ भाई, बट रेगुलर वीडियोज़ नहीं हो पा रही भाई अभी स्टार्टिंग में। अब क्या बोलूँ, मतलब कि मैं बोलता भी हूँ ना कि मेरा खुद का मन करता है वीडियो रेगुलर निकालूँ, बट अभी है ना हो नहीं पा रहा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यार ये सब चीज़ अपनी पहले जो एक वो थी ना पूरी एक अपना पूरा टर्न ओवर था 30 days 30 vlogs, मतलब कि मैंने उसको चलाया था 5-6 महीने तक लगातार चलाया था भाई, एक उसने ने एक चैनल को पुश दिया था लगी जब मैं लगातार वीडियोस बनाता था, तो वो सब अपन वापस से ट्राई करेंगे जल्दी शुरू करूँ मैं, शुरू तो करूँगा। देखो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालने वाले उसमें से नहीं हूँ भाई, मैं 30 दिन के 30 व्लॉग डालूंगा आज नहीं तो कल, मतलब कि इस महीने नहीं तो अगले महीने, बट है ना मैं 30 days 30 vlogs का चैलेंज जरूर करूँगा वापस। मैं तुमसे ना एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अपनी जो आरएस है इसको है ना वापस से रैप करवाएंगा जैसे अपन ने पहले करवा रखा था। अब मैं तुमको दिखाता हूँ मतलब कि मैंने जो रैप सोच रखा है ना, तुम भी है ना थोड़ा डिज़ाइन वगैरह भेजना मेरे को इंस्टाग्राम पर ना, तुम रील्स वगैरह भेज सकते हो जो भी अपन को करवाना हो। बाकी मैंने सोचा है कि इसके अंदर ना जैसे अपन ने गोल्डन एडिशन बनाया था ना इसको, वैसे है ना कुछ तगड़ा सा बनाया भाई, जैसे अभी भी तुम देख रहे हो ना यहाँ पे जो गोल्डन अपना लगा हुआ है ये अभी भी है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये बाइक पे एक अलग ही है ना मतलब कि फील देता है जो यहाँ पे गोल्डन लगा हुआ था। ये मैंने ग्लॉस गोल्डन लगवाया था भाई, एक नंबर था, मतलब कि ये अब देखो यहाँ से भी उखड़ने लग गया, मतलब धीरे धीरे उखड़ेगा भी। बाकी है ना ये सब चीज़ मस्ती, तो तुम मेरे को बता अपन इसको सिल्वर एडिशन बना सकते हैं, इसको गोल्डन एडिशन बना सकते हैं, एक बहुत सारे एडिशन बना सकते हैं अपन। तो तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया हो ना कि अपन ये कर सकते हैं इस बाइक के साथ तो मेरे को ना जरूर बताना,
बाकी तुम इसका देख लो, अगर ये नॉर्मल भी खड़ी रहती है तो भी भाई देखो रोड पे ना कितनी अच्छी लगती है, तुम देख लो यहाँ पे। बाकी अगर तुम मेरे को बताओगे ना कि अपन इस बाइक में ये कर सकते हैं, इस बाइक में मतलब कि ये एडिशन डाल सकते हैं, ये कस्टमाइज़ करा सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी है ना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरी बाइक को है ना ये पहली बार ही करवा रहा हूँ भाई। दौ से मैं तो ये सब करवाया नहीं था कभी मैंने, बट इस टाइम पर ना मैं पहली बार करवा रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि है ना तुम लोगों का ही प्यार है, तो तुम लोग ही है ना बताओ कि है ना इसके अंदर क्या रैप करवाना चाहिए, है ना आप लोग ही बताओगे ना तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये लोगों को ये बेस्ट लगता है। और इस वाले रैप के बारे में बताना भाई कि है ना ये वाला कैसा लगा था आप लोगों को, और नेक्स्ट रैप का अगर कोई आइडिया हो तो मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे तुम भेज सकती हो मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे बायो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, तो वहाँ पे अगर तुम मेरे को भेजोगे ना तो मैं इसका रिप्लाई वगैरह जरूर करूँगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मतलब कि अपन किसी की कॉपी नहीं करना चाहेंगे भाई, पिछली बार जब मैंने इसको डाल लगवाया था ना मैंने गोल्डन बनवाई थी, मेरे को नहीं पता था किसी ने पहले से करवा रखा ये, बट मैंने फिर देखा ना तो पता लगा कि उनका शाइनिंग गोल्डन था और अपना ग्लॉसी गोल्डन था, तो बहुत डिफरेंट था भाई। बट फिर भी है ना एक वो होता है ना कि एक कॉपी कर लिया, तो अपने है ना इस बार कॉपी वाला का कोई सीन नहीं रखेंगे भाई, बिल्कुल डिफरेंट करेंगे जो किसी ने किया नहीं। तो मेरे को बताना कि अपन ये कर सकते हैं, इसको सिल्वर एडिशन बना सकते हैं जैसे मैंने गोल्डन बनाया, ये सब रहेगा ना सिल्वर गोल्डन ये सब मिलते नहीं है भाई, और मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं भाई। ये कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि है ना ये बहुत है ना कम चीज़ मिलती है, मतलब ये जैसे कि अगर ब्लैक हुआ वाइट हुआ ये सब तो क्या नॉर्मली मिल जाते हैं, और भी जो नॉर्मल कलर्स होते हैं ना वो अगर मिल जाते हैं आराम से, बट ये जो कलर होता है ना ये बहुत कम मिलता है। उस बंदे ने मेरे को चार्ज किया था, बहुत अच्छा चार्ज किया था, ये 3-4 जगह रैप लगाने का बहुत छोटे छोटे पीस पे लगाया था, बट फिर भी मैंने एक अच्छा खासा चार्ज किया था। तो तुम मेरे को बताना कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया वगैरह हो ना तो तुम्हारे आइडिया का मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा, और मतलब अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा ना तो भाई वो भी मतलब कि क्रेडिट भी दूंगा कि भाई आपने मेरे को बताया। तो तुम अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चीज़ आए ना ऐसी कि अपन ये कर सकते हैं भाई के साथ ये कर सकते हैं, तो मेरे को है ना ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी रिप्लाई उसका है मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो वगैरह होगी ना मेरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो करना है वीडियो को लाइक करना है, और अगर अच्छे नहीं बने तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी ब्रांड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाद भी तरह।